आप लोग यह वीडियो मेवा क्षेत्र की देख रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि मेवा क्षेत्र में मई के आखिरी दिनों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी आई। तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति ठप रही। पहले लगभग 10 मिनट तेज हवा आई। तेज हवाओं के कारण कहीं कहीं तो काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तेज हवाओं ने अपना रूप बदल कर आंधी में तब्दील कर लिया। इस आंधी में पेड़ पौधे भी टूटे हैं, बिजली के खंभे भी टूटे हैं, कहीं कहीं तो टीनों से बना घरों में भी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं चलने के कुछ देर बाद बूंद गिरना चालू हो गई। कुछ समय के लिए रिमझिम बरसात हुई। इस रिमझिम बरसात से किसानों के चेहरे पर रौनक तो आई और धूल उड़ने के साथ साथ गर्मी से भी राहत मिली है। रिमझिम बरसात के बाद कई घंटों तक तेज हवाओं ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 23 मई को तेज हवाएं चलेंगी और लगभग 2 बजे और 7 बजे भी बरसात हो सकती है। अब सवाल यह बनता है, क्या अल्लाह अपनी रहमत की बरसात करेगा? आप लोग दुआ करें, क्या किसान अपनी फसल इस बरसात में लगा पाएंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तेज़ हवाओं से कौन कौन से गांव में कितना कितना नुकसान हुआ है? अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।